हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया हूँ जो आता है कॉरपोरेशन बाउंड्री के अंदर, राइट, पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बाउंड्री के अंदर ये प्रोजेक्ट, जहाँ पे आपको एने रेरा प्लॉट्स मिलेंगे, वो भी आपको भरपूर FSI के साथ, 1.4 की FSI के साथ, जहाँ पे आप इजीली 3 से 4 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अच्छी बात ये, जो ये हमारा हाईवे है उससे भी काफ़ी नज़दीक है, जो डायरेक्ट कातरस से लेके मुगई चौक का जो मेन हाईवे है उससे कनेक्टेड है, और ये बावधान में आता है, हाईवे से हार्डली 3 मिनट का डिस्टेंस है। और आप देख सकते हैं मेरे सराउंडिंग में हर जगह बंगलों के काम चालू है। तो ये एने रेरा सेंक्शन प्रोजेक्ट है, तो आप इमीडिएट यहाँ पे अपना सपनों का घर बना सकते हैं। एमिनिटीज़ की बात करूँ, सारी एमिनिटीज़ मिल रही हैं यहाँ पे, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, चिल्ड्रन प्ले एरिया है, सीनियर सिटीजन सिट आउट है। लोन की बात करें, सारी बैंक के लोन हो जाएंगे, बट जो रेट है, रेट थोड़ा सा आपको उस हिसाब से ही पे करना पड़ेगा, बिकॉज दिस पार्सल इज़ अंडर अ कॉरपोरेशन, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ या 1.6 CR से यहाँ पे मिनिमम प्लॉट शुरू होता है। 1 करोड़ 60 लाख रुपए में आपको यहाँ पे 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट मिल सकता है। और आप देख सकते हैं जिस हिसाब से बिल्डिंग से काम चालू है, G+3 भी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली प्लॉटिंग में क्या होता है, 1-2 G+1 ही अलाउड रहता है, मतलब पार्किंग +3 यहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हैं। बीच में आप देखेंगे ऑलरेडी एक बहुत बड़े क्लब हाउस का काम चालू है, और प्रॉपरली आपको गेटेड कम्युनिटी मिलेगी, सिटी से कनेक्टेड है, हाईवे से कनेक्टेड है। और अगर आप थोड़ा हायर साइड देख रहे हैं जहाँ पे आपको रेट का कोई कंसर्न ना हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट। और रिंग रोड भी जो आप देख रहे हैं, इधर से रिंग रोड भी जाने वाला है, और पानीर, पाषाण, सुस, ये सारे एरियाज, या चांदनी चौक, कोथरू, काफी कनेक्टेड है इस एरिए से। तो इफ यू आर फ्रॉम सिटी एरिया, जो पुणे का मेन कोर एरिया है, तो उस हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है आपके लिए। और सराउंडिंग में आप देखेंगे पूरा काफी अच्छा खासा ग्रीनरी है, आप देखेंगे इस साइड भी, तो ग्रीनरी का भी मतलब एक, दिस इज अगेन वन ऑफ द प्लस पॉइंट, जहाँ पे आपको प्योर एयर मिलता है, और यू नो एक हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। और जैसे कि पुणे में तो बहुत ही रेयर है, कॉरपोरेशन के अंदर तो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो दिस प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट जो कॉरपोरेशन के अंदर भी आता है और प्रॉपर प्लॉटिंग प्रोजेक्ट है, जहां पे आप अपने हिसाब से बंगलो डिजाइन करके बना सकते हैं। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? रिंग रोड ये कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? रिंग रोड का एक्विजिशन हो चुका है, किसानों को, शेतकरी लोगों को ऑलरेडी, जितने भी लैंड ओनर्स हैं उनको ऑलरेडी फंड भी अलॉट हो चुका है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी काम शुरू होगा, बिकॉज रिंग रोड इज अ मैसिव प्रोजेक्ट, तो उसको कंप्लीट होने में आप 5-7 ईयर्स का टाइम आप ले सकते हैं। और ये सामने जो ग्रीनरी दिख रही है वो हमेशा ऐसी ही रहेगी? हमेशा ऐसे ही रहेगी, ये पूरा रेड जोन में आता है वो एरिया, तो हमेशा ही वो ग्रीनरी एज इट इज रहेगी। यहाँ से हिंजेवाड़ी आईटी पार्क कितने दूर है? हिंजेवाड़ी आईटी पार्क आपको हार्डली 15-20 मिनट लगेंगे, जैसा कि मैंने बताया हाईवे यहाँ से 3-5 मिनट से, वो एक बार आप बावधान का हाईवे टच करते हैं, वहां से आप लेफ्ट लेंगे डायरेक्टली वाकर फ्लाईओवर इज अराउंड 10-15 मिनट्स। तो एक बार रिंग रोड बनने के बाद तो और नजदीक हो जाएगा? हाँ, रिंग रोड बनने के बाद यहाँ पे ऑफकोर्स अप्रिसिएशन काफी हो जाएगा, और अभी भी अगर आप अप्रिसिएशन को नहीं भी देखते, इफ यू आर लुकिंग टू बाय समथिंग वेरी क्लोज टू द सिटी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आई कैन सजेस्ट। मिनिमम प्लॉट का एरिया कितना है? मिनिमम प्लॉट एरिया 2000 स्क्वायर फीट का है, जिसमें आप आराम से 3000 स्क्वायर फीट का कारपेट बना सकते हैं, तो दिस इज अ बिग थिंग, कारपेट 3000 स्क्वायर फीट आप बना सकते हैं। ओके, और प्लॉट लेते ही इमीडिएट कंस्ट्रक्शन करना? इमीडिएट आपको 2 साल के अंदर, जैसे ही आपको प्लॉट हैंडओवर होता है, 2 साल के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड वी हैव अदर कॉन्ट्रेक्टर आल्सो जो आपको बहुत ही स्पीड में 1-1.5 साल में ही आपको बंगलो भी बना के दे देंगे। आप नियरेस्ट लैंडमार्क्स बता सकते हैं? देखिए नियरेस्ट लैंडमार्क में यहाँ पे SNDT स्कूल है, और पुरानिक का अभिदान्ते प्रोजेक्ट है, और पूरा चांदनी चौक है, उसके अलावा आपका जो ऑडी का शोरूम है जो सुस में आता है, और
मतलब बावधान इटसेल्फ इज अ बिग लैंडमार्क, बावधान में इतने बड़े बड़े लैंडमार्क्स है, तो ये बावधान में आता है, तो सराउंडेड बाय लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क्स की कोई कमी नहीं है, हाईवे है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स के ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं, सो दिस एरिया इटसेल्फ इज अंडर अ कॉर्पोरेशन, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से तो बेस्ट है ही। और कुछ आप बताना चाहोगे? तो यही, अगर आपको बजट कंसर्न नहीं है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लॉट, यू कैन स्ट्रेच 2 CR और 1.6 CR तक आप देख रहे हैं, तो दिस इज अ प्रोजेक्ट यू कैन गो फॉर इट, जहाँ पे आपको सिटी का कनेक्टिविटी भी मिलेगा, एंड इफ यू आर फ्रॉम द सिटी, अगर आप कोथरूड से हैं, आप करवे नगर से हैं, मॉडल कॉलोनी से हैं, तो आपको उस लेवल का क्राउड भी यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज दिस इज समथिंग कनेक्टेड टू द सिटी, और जहाँ पे सिटी के लोग ज्यादा ले रहे हैं, इनफैक्ट कॉस्मोपोलिटन क्राउड भी है, बट दिस इज समथिंग कि आपको एक पुणे की थीम पे ये प्रोजेक्ट मिलेगा, पुणे से कनेक्टेड मिलेगा, कॉर्पोरेशन के अंदर है, तो उस हिसाब का एक प्रोजेक्ट। टोटल प्रोजेक्ट एरिया कितना है? काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, आप बोल सकते हैं टाउनशिप में ही आता है, तो 25+ एकड़ का प्रोजेक्ट है, और भी एक्सटेंड होता जा रहा है, जैसे जैसे नया लैंड आ रहा है और भी एक्सटेंड होता जा रहा है। ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डमी प्लान देखेंगे, जो प्रोजेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, दिस इज द एंट्रेंस, और टोटल प्रोजेक्ट 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, दिस इज द फर्स्ट सेक्टर, दिस इज सेकेंड सेक्टर, एंड देयर इज थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर, यू कैन सी एवरीथिंग इज अवेलेबल, बीच बीच में आपको क्लब हाउस दिख जाएंगे, चिल्ड्रन प्ले एरिया दिख जाएंगे, एंड इट्स अ मैसिव टाउनशिप ऑफ प्लॉट्स। प्रोजेक्ट टोटल प्रोजेक्ट एरिया कितना है? काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, आप बोल सकते हैं टाउनशिप में ही आता है, तो 25+ एकड़ का प्रोजेक्ट है, और भी एक्सटेंड होता जा रहा है, जैसे जैसे नया लैंड आ रहा है और भी एक्सटेंड होता जा रहा है। ओके थैंक यू। एंड वी हैव अदर कॉन्ट्रेक्टर ऑल्सो, जो आपको बहुत ही स्पीड में 1-1.5 साल में ही आपको बंगलो भी बना के दे देंगे। आप नियरेस्ट लैंडमार्क्स बता सकते हैं? देखिए, नियरेस्ट लैंडमार्क में यहाँ पे SNDP स्कूल है, और पुराने का अभिदान्ते प्रोजेक्ट है, और पूरा चांदनी चौक है, उसके अलावा आपका जो ऑडी का शोरूम है जो सुस में आता है, और मतलब बावधान इटसेल्फ इज अ बिग लैंडमार्क, बावधान में इतने बड़े बड़े लैंडमार्क्स है, तो ये बावधान में आता है, तो सराउंडेड बाय लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क्स की कोई कमी नहीं है, हाईवे है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स के ऑलरेडी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हैं, सो दिस एरिया इटसेल्फ इज अंडर अ कॉर्पोरेशन, तो कनेक्टिविटी के हिसाब से तो बेस्ट है ही। और कुछ आप बताना चाहोगे? तो यही, अगर आपको बजट कंसर्न नहीं है, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लॉट, यू कैन स्ट्रेच 2 CR और 1.6 CR तक आप देख रहे हैं, तो दिस इज अ प्रोजेक्ट यू कैन गो फॉर इट, जहाँ पे आपको सिटी का कनेक्टिविटी भी मिलेगा, एंड इफ यू आर फ्रॉम द सिटी, अगर आप कोथरूड से हैं, आप करवे नगर से हैं, मॉडल कॉलोनी से हैं, तो आपको उस लेवल का क्राउड भी यहाँ पे मिलेगी, बिकॉज दिस इज समथिंग कनेक्टेड टू द सिटी, और जहाँ पे सिटी के लोग ज्यादा ले रहे हैं, इनफैक्ट कॉस्मोपोलिटन क्राउड भी है, बट दिस इज समथिंग कि आपको एक पुणे की थीम पे ये प्रोजेक्ट मिलेगा, पुणे से कनेक्टेड मिलेगा, कॉर्पोरेशन के अंदर है, तो उस हिसाब का एक प्रोजेक्ट। टोटल प्रोजेक्ट एरिया कितना है? काफी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, आप बोल सकते हैं टाउनशिप में ही आता है, तो 25+ एकड़ का प्रोजेक्ट है, और भी एक्सटेंड होता जा रहा है, जैसे जैसे नया लैंड आ रहा है और भी एक्सटेंड होता जा रहा है। ओके थैंक यू। नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं आमच्या चॅनल वरती स्वागत आहे। सगळे मजेत असतीलच। पुन्हा एक नवीन प्लॉट प्रोजेक्ट आम्ही घेऊन आलेलो आहोत, जो की कॉर्पोरेशन बाउंड्री मध्ये आहे, पीएमसीच्या कॉर्पोरेशन बाउंड्री मध्ये आहे, आणि तुम्ही बघू शकता की नॅचरल व्ह्यू आहे, रिंगरोड जो आहे तो अगदी लागून जातो ह्या प्रोजेक्टच्या। कुठून जातोय रिंगरोड? साधारण जे तुम्हाला तिथं आरएमसी प्लांट दिसतात ना, आरएमसी प्लांटला लागूनच रिंगरोड जातो। ओके, हा जो आहे हा पीएमआयडीचा रिंगरोड आहे, साधारण 65 मीटरचा रिंगरोड असेल, जे आता लोक NH4 युज करतात, भविष्यात इथला रोड युज करतील, त्यामुळे त्या दृष्टीने हा प्लॉट, हा प्रोजेक्ट अतिशय महत्वाचा आहे आणि अतिशय चांगला आहे। प्रोजेक्ट जो आहे साधारण 40 एकर मध्ये आहे, आणि रेट जो आहे, रेट तुम्ही जर विचाराल मला तर साधारण 7,000 रुपयाच्या आसपास, 7-7.5 हजाराच्या आसपास इथला रेट आहे। ओके,
तुम्ही जे सीन बघताय त्यानुसारच हा प्रोजेक्ट आहे. भविष्यामध्ये कुठलाही बाकीचं डिस्टर्बन्स होणार नाही. समोर जी ग्रीनरी दिसते ती पुढचे हजारो वर्षे ती तशीच राहील, कारण ती गव्हर्नमेंटची लँड आहे आणि लोकांनी बंगल्यांची कामं चालू केलेली आहेत. हे तुम्ही बघू शकता, थ्री फ्लोअरचे बंगल्यांची कामं चालू आहेत. माझ्या मागे सुद्धा म्हणजे व्हिडिओमध्ये तुम्हाला नॉईस येत असेल तो इथल्या कन्स्ट्रक्शनचे कामांचा सगळा आवाज येतोय. आणि प्रोजेक्ट अतिशय सुंदर लोकेशनला आहे. ऑक्सिजनची कुठलीच कमतरता नाही या एरियामध्ये. आणि ज्या लोकांना पुण्यामध्ये राहायचंय, जे लोक फ्लॅटमध्ये राहून कंटाळलेले आहेत, ज्यांना बंगलो सिस्टीम पाहिजे आहे, तर तशा लोकांसाठी हा प्रोजेक्ट आहे. आणि साधारणतः काय साईजचे प्लॉट्स आहेत? साधारण मिनिमम जे आहे ते 2000 स्क्वेअर फीटचा प्लॉट आहे. 1.2-1.4 एफएसए तुम्हाला इथे मिळतो. आणि काय बजेट जातोय त्याच्या? साधारण तुम्ही पकडा प्लॉट जो चालू होतो तो 1.6 इयर पासून चालू होतो. इन्क्लुसिव्ह ऑल चार्जेस, म्हणजे तुमचं स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन आणि एव्हरीथिंग. प्लॉट घेतल्यानंतर तुम्हाला इमिजिएट कन्स्ट्रक्शन करायला लागेल. इथे प्लॉट वरती ऑल नॅशनलाइज बँकेचं लोन अवेलेबल आहे आणि अतिशय सिनिक व्ह्यू आहे. ओके, जर तुम्ही बघाल जे तुम्हाला दिसतंय, तर हे हा व्ह्यू तुमच्याकडून कोणी घेणार नाही. कायमस्वरूपी हा असाच व्ह्यू राहील. आणि एफएसआय किती आहे? एफएसआय आता सांगितल्याप्रमाणे 1.2-1.4 एफएसआय आहे. 1.2 एफएसआय तुम्ही पकडून 1.2 इकडे मी बघतोय ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 चार फ्लोअरची ही बिल्डिंग झालेली आहे. ही 3 फ्लोअर बिल्डिंग आहे. खाली जे आहे ते पार्किंग आहे. ओके, खाली पार्किंग आहे. तर पार्किंग प्लस 3 आपण बांधू शकतो. ओके, आणि बँक लोन वगैरे होईल इकडे? हो, सगळं संपूर्ण पूर्ण नॅशनलाइज बँकेचं लोन अवेलेबल आहे. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये इकडे काय कंडिशन आहे? इमिजिएट बांधकाम कव्हर करायला लागेल की आपण थांबून? घेतल्यानंतर तुम्हाला बांधकाम 2 वर्षाच्या आतमध्ये तुम्हाला बांधकाम करायलाच लागेल. ओके, 2 वर्षाच्या आतमध्ये. आणि मॅक्झिमम किती साईजचे प्लॉट आहेत? मॅक्सिमम 2000 स्क्वेअर फूटचे मॅक्सिमम जे आहेत ते तुम्ही त्याच्यावरती किती घेऊ शकता? 4000-5000 पण मिळेल. ओके, आणि त्याच्यामध्ये ब्रेक करून विकू शकतो? 1 फ्लोअर 2 फ्लोअर पूर्ण बंगला ठेवायला? तुम्ही एक प्लॉट घेतल्यानंतर एका प्लॉटला एकच किचन असं आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे. जर तुम्ही 2000 घेतला तर 2000 एकच किचन असेल. आणि अम्युनिटीज मध्ये काय काय देतात तुम्ही? अम्युनिटीज मध्ये या साईडला तुम्हाला दिसेल की चिल्ड्रन प्ले एरिया आहे. त्याच्यानंतर हे जे खाली काम चालू आहे, तुमचं क्लब हाऊसचं काम चालू आहे. ओपन स्पेस भरपूर ठेवलेली आहे आपण याच्यामध्ये. सिनियर सिटीझनचा एक एरिया येतो त्या साईडला. सो स्विमिंग पूल आहे. सगळ्या इन्क्लुडेड. ओके, तरी बावधान मध्ये येतोय ना? येस, बावधान मध्ये. ओके, हायवे पासून किती लांब आहे? हायवे पासून मोजून 1-3 मिनिटांमध्ये तुम्ही इथे पोहोचतात. डिस्टन्स वाईज मला तुम्ही विचारल्यानंतर एक साधारण 2.5 किलोमीटर. ओके, तिथून गाडी पण दिसते. तो हायवे आहे का? त्या साईडला हायवे. ओके, सो ग्रीनरी तशीच राहील. आणि लवकरात लवकर, ऍक्च्युली काय की लिमिटेड प्लॉट्स आहेत, एन ए प्लॉट्स आहेत. तुम्हाला कॉर्पोरेशन बाउंड्रीमध्ये एन ए प्लॉट मिळणं मुश्किल आहे आणि लिमिटेड प्लॉट आहेत. भविष्यामध्ये तुम्हाला जे आहेत ते प्लॉट कमीत कमी मिळतील. ठीक, तो फ्रेंड्स अभी हम लोग डमी प्लान देखेंगे जो प्रोजेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. दिस इज द एंट्रेंस. प्लॉट घेतल्यानंतर तुम्हाला इमिजिएट कन्स्ट्रक्शन करायला लागेल. इथे प्लॉट वरती ऑल नॅशनलाइज बँकेचं लोन अवेलेबल आहे आणि अतिशय सिनिक व्ह्यू आहे. ओके, जर तुम्ही बघाल जे तुम्हाला दिसतंय, तर हे हा व्ह्यू तुमच्याकडून कोणी घेणार नाही. कायमस्वरूपी हा असाच व्ह्यू राहील. आणि एफएसआय किती आहे? एफएसआय आता सांगितल्याप्रमाणे 1.2-1.4 एफएसआय आहे. 1.2 एफएसआय तुम्ही पकडून 1.2 इकडे मी बघतोय ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4 चार फ्लोअरची ही बिल्डिंग झालेली आहे. ही 3 फ्लोअर बिल्डिंग आहे. खाली जे आहे ते पार्किंग आहे. ओके, खाली पार्किंग आहे. तर पार्किंग प्लस 3 आपण बांधू शकतो. ओके, आणि बँक लोन वगैरे होईल इकडे? हो, सगळं संपूर्ण पूर्ण नॅशनलाइज बँकेचं लोन अवेलेबल आहे. ओके, आणि ह्याच्यामध्ये इकडे काय कंडिशन आहे? इमिजिएट बांधकाम कव्हर करायला लागेल की आपण थांबून? घेतल्यानंतर तुम्हाला बांधकाम 2 वर्षाच्या आतमध्ये तुम्हाला बांधकाम करायलाच लागेल. ओके, 2 वर्षाच्या आतमध्ये. आणि मॅक्झिमम किती साईजचे प्लॉट आहेत? मॅक्सिमम 2000 स्क्वेअर फूटचे मॅक्सिमम जे आहेत ते तुम्ही त्याच्यावरती किती घेऊ शकता? 4000-5000 पण मिळेल. ओके, तो विषय आहे.
आणि त्याच्यामध्ये ब्रेक करून विकू शकतो एक फ्लोर दोन फ्लोर की असा पूर्ण बंगला ठेवला. तुम्ही एक प्लॉट घेतल्यानंतर एका प्लॉटला एकच किचन असं आपण त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे. जर तुम्ही 2000 घेतला तर 2000 मध्ये एकच किचन असेल. आणि अम्युनिटीज मध्ये काय काय देतात तुम्ही? अम्युनिटीज मध्ये या साईडला तुम्हाला दिसेल की चिल्ड्रन प्ले एरिया आहे. त्याच्यानंतर हे जे खाली काम चालू आहे तुमचं क्लब हाऊस काम चालू आहे. ओपन स्पेस भरपूर ठेवलेली आहे आपण याच्यामध्ये. सिनियर सिटीझनचा एक एरिया येतो त्यासाठी. सो स्विमिंग पूल आहे. सगळे अम्युनिटीज आर इन्क्लुडेड. ओके, तर ही बावधान मध्ये येतोय ना? येस. ओके, हायवे पासून किती लांब आहे? हायवे पासून मोजून एक 3 मिनिटांमध्ये तुम्ही इथं पोहोचतात. डिस्टन्स वाईज मला तुम्ही विचारल्यानंतर एक साधारण 2.5 किलोमीटर. ओके, तिथून गाडी पण दिसते. तो हायवे आहे का? त्या साईडला हायवे. ओके, सो ग्रीनरी तशीच राहील. आणि लवकरात लवकर, ऍक्च्युली काय की लिमिटेड प्लॉट्स आहेत, एन ए प्लॉट्स आहेत. तुम्हाला कॉर्पोरेशन बाउंड्री मध्ये एन ए प्लॉट मिळणं मुश्किल आहे आणि लिमिटेड प्लॉट आहेत. भविष्यामध्ये तुम्हाला जे आहेत ते प्लॉट कमीत कमी मिळतील. ठीक. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डमी प्लान देखेंगे जो प्रोजेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. दिस इज द एंट्रेंस और टोटल प्रोजेक्ट 4 सेक्टर्स पे डिवाइडेड है. दिस इज द फर्स्ट सेक्टर, दिस इज सेकंड सेक्टर एंड देयर इज थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर. यू कैन सी एवरीथिंग इज अवेलेबल. बीच बीच में आपको क्लब हाउस दिख जाएंगे, चिल्ड्रन प्ले एरिया दिख जाएंगे एंड इट्स अ मैसिव टाउनशिप ऑफ प्लॉट्स. साईडला तुम्हाला दिसेल की चिल्ड्रन प्ले एरिया आहे. त्याच्यानंतर हे जे खाली काम चालू आहे तुमचं क्लब हाऊसचं काम चालू आहे. ओपन स्पेस भरपूर ठेवलेली आहे आपण याच्यामध्ये. सिनियर सिटीझनचा एक एरिया येतो त्यासाठी. सो स्विमिंग पूल आहे. सगळे अमेनिटीज आर इन्क्लुडेड. ओके, तर ही बावधान मध्ये येतोय ना? येस, बावधान मध्ये. ओके, हायवे पासून किती लांब आहे? हायवे पासून मोजून एक 3 मिनिटांमध्ये तुम्ही इथं पोहोचतात. डिस्टन्स वाईज मला तुम्ही विचारल्यानंतर एक साधारण 2.5 किलोमीटर. ओके, तिथून गाडी पण दिसते. तो हायवे आहे का? त्या साईडला हायवे. ओके, सो ग्रीनरी तशीच राहील. आणि लवकरात लवकर, ऍक्च्युली काय की लिमिटेड प्लॉट्स आहेत, एन ए प्लॉट्स आहेत. तुम्हाला कॉर्पोरेशन बाउंड्री मध्ये एन ए प्लॉट मिळणं मुश्किल आहे आणि लिमिटेड प्लॉट आहेत. भविष्यामध्ये तुम्हाला जे आहेत ते प्लॉट कमीत कमी मिळतील. ठीक. तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग डमी प्लान देखेंगे जो प्रोजेक्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. दिस इज द एंट्रेंस और टोटल प्रोजेक्ट 4 सेक्टर्स में डिवाइडेड है. दिस इज द फर्स्ट सेक्टर, दिस इज सेकंड सेक्टर एंड देयर इज थर्ड एंड फोर्थ सेक्टर. यू कैन सी एवरीथिंग इज अवेलेबल. बीच बीच में आपको क्लब हाउस दिख जाएंगे, चिल्ड्रन प्ले एरिया दिख जाएंगे एंड इट्स अ मैसिव टाउनशिप ऑफ प्लॉट्स. Okay.